एवरीवन, मैं डोरिस और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ डोरिस ब्लॉग्स में। और आज मैं अपना ब्लॉग्स में मैं दिखाने वाली हूँ, मेरे पास कुछ इस टाइप से दिया है तो मैं इस दिया सबको डेकोरेट करने वाली हूँ और डेकोरेट करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप इसको क्रिसमस, दीपावली ऐसे टाइम में भी आप सजा के इसको रख सकते हैं अपने घरों पर और बहुत ही क्लासी लुक देता है। तो मैं आज इसको डेकोरेट करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल डोरिस ब्लॉग्स में। और हाँ, मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को जरूर से दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोट। इसको लगता है दिया और कलर हर एक जन के घर में है और नहीं भी है तो आप इसको मैंने इजीली परचेज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को लोकल मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो आप अपने लॉकडाउन में इस तरीके से अपना टाइम मैंने स्पेंड कर सकते हैं। तो आप चलिए इसका आगे का प्रोसेस देखिए। जब मैं हॉस्टल में थी ना और हाथ का काम सब सीख रही थी तो कभी कभी आलसी लगता था तो मैंने हम लोग ठीक से काम नहीं करते थे। तो सिस्टर हमको एक दिन हम लोगों को ऐसे सोशल क्लास ले रही थी, उस टाइम बोली कुछ भी काम तुम लोग को मैंने करना ही है बोल के मैं नहीं करवा रही हूँ, बट अभी खाली टाइम है तो तुम लोग सीख लो। तो और जो भी काम करने दे दिया जा रहा है उसको तुम लोग इतना दिल से करो कि वो लोग मैंने वो काम तुम लोगों का एक तो हॉबी बन जाए, एक तो पैशन हो जाए। तो इसलिए मैं उस टाइम से सिस्टर का बात सुन के मैं करने लगी थी। कुछ भी काम देती थी तो मैं दिल से करती थी और सीखने की कोशिश करती थी, तो आज मेरे लिए काम आ रहा है। और आजकल जैसे कि आप जानते हैं मेरा कैंडल का बिजनेस है तो ये सब दीपावली सब में बहुत ही डिमांड रहता है बहुत ज़्यादा। और आप दीपावली टाइम में देख पाएंगे मैंने मार्केट में देख पाएंगे कि बहुत सारा मैंने डिजाइन के इसे दिया सबको डेकोरेट करके मार्केट में मिलता है। तो जैसे कि मैं कैंडल का बिजनेस है तो मेरे लिए तो हमेशा ये मैंने कस्टमर लोग को नए नए शो करना पड़ता है हर एक चीज़ को, तो इस हिसाब से मैं करते रहती हूँ फ्री टाइम में, अपना एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ तो मुझको अच्छा भी लगता है और मैं जितना करती हूँ उतना नया चीज़ सीखती हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा लगभग कलर करके मैं फिनिश्ड कर ली और यहाँ पे मैं पहले डिज़ाइन दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिंपल सा ब्लू कलर में यहाँ पे मैं गोंद को यहाँ पे लगा ली हूँ और ये जो मेरे पास स्टोन लेस है इसको मैं इस टाइप से साइड में लगा लूँगी, इस टाइप से पूरा कवर कर लेना है इसको और बहुत ही ये क्लासी लुक देता है। दीपावली टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है ये सब ऐसे डिज़ाइन सबका। तो इस बार तो मैंने पहले से ही लॉकडाउन के टाइम से ही शुरू मैंने कुछ कुछ कर रही हूँ क्योंकि अभी फ्री बैठे हैं तो कुछ किया जाए बोल के। तो ये देखिए इसको मैं पूरा साइड से लगा ली हूँ और इसको गोंद का भी सूखने के लिए भी टाइम लगता है तो इसको मैंने जब सूख जाता है तो बहुत अच्छा से पकड़ लेता है। ये देखिए बहुत सुंदर से मैंने पकड़ लिया है और मैं इसका अंदर डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, अंदर भी आप लोग डेकोरेट कर सकते हैं क्योंकि मैं अंदर में इसे दिया कैंडल लगाने वाली हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैं सिंपली रख रही हूँ, बाहर ही इसको डेकोरेट खाली करूँगी। यहाँ पे मैं फैन चला दी हूँ इसलिए गोंद डाली थी तो तुरंत सूख गया था तो मुझको ये स्टोन को निकालना पड़ा, ठीक से नहीं चिपक रहा था तो फिर से मैं इसमें गोंद डाली और ये देखिए मैं इसको चिपका दी हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, चिपक गया है। और इसका दिया के अंदर में भी आप डेकोरेट कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे कैंडल रखूँगी बोल के मैं इसके अंदर डेकोरेट नहीं की हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये रेड कलर का दिया, इसमें भी मैं सेम स्टोन डाल दूँगी वाइट कलर का। दोनों दिया को आप फिर मैंने गम से चिपका सकते हैं गोंद से बट मैं नहीं चिपका रही हूँ अभी, तो कभी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको चिपका भी सकते हैं दोनों दिया को एक साथ।
डिजाइन के लिए मैं यहाँ पे मैंने लिया है ये कार्ड का राउंड शेप में, जो कि मेरे पास पहले से ही था और क्या में था मुझको याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, बट मैं इसको संभाल के रखी थी तो आज ये भी यूटिलाइज हो जा रहा है। तो इसमें मैं अच्छे से येलो कलर कर दे रही हूँ और इसको मैं सुखा लूँगी थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे देखिए इस दिया को मैं इसे स्टोन से डेकोरेट कर रही हूँ और मैं इसका वीडियो भी ना आज ठीक से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी मुझको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ब्लू कलर और रेड कलर में यहाँ पे डाल दे रही हूँ इसको साइड साइड इस टाइप से गोंद के, मैंने गोंद लगाने के बाद इसको चिपका लेना है। फेवी क्विक से करेंगे तो तुरंत अप्लाई मत कीजिए एक ही बार में, मैंने इसको हाफ हाफ करके इसको अप्लाई करने के बाद स्टोन चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो ये सूख जाती है तुरंत। ये देखिए मैं इसको बड़ा वाला दिया को स्टेप से स्टोन से मैं इसको डेकोरेट कर ली हूँ और इसका अंदर भी मैं थोड़ा इसको डेकोरेट कर लूँगी सेम स्टोन से। तो ये देखिए ब्लू और वाइट, ब्लू और रेड में कितना अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ पे देखिए मेरे पास ये छोटा सा लोटा भी है तो इसको भी मैं सेम स्टोन लेस है मेरे पास वाइट कलर का, उसको ही मैं इसमें चिपका दूंगी इस टाइप से। देखिए इस टाइप से कुछ लगा देना है आपको और उसके बाद बीच में खाली लग रहा था तो मैं इसमें भी स्टोन लगा दूंगी बीच बीच में। तो यहाँ पे मैंने रेड वाला स्टोन लगा दिया है, देखिए इस टाइप से लगा रही हूँ, यहाँ पे भी बीच बीच में लगा लेना है, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। तो ये रेड वाला को साइड साइड में लगाने के बाद तो बीच में यहाँ पे मैं वाइट कलर को चिपका दूंगी वाइट वाला मोती को। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये सब ना मैं इसे ही फेंका हुआ था मेरे पास, तो अभी मैं इसको इसे जब मैंने निकाली थी तो इसको मैंने याद आया कि इसका कुछ इसे कुछ बना लूँ बोल के। तो ये लोटा का साइड साइड मैं चारों ओर ऐसे ही लगा लूँगी सेम डिजाइन में, देखिए सेम डिजाइन बना दे रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये येलो कलर में ना रेड और ये वाइट बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे मेरी बेटी बार बार डिस्टर्ब कर रही है, उसको भी चाहिए। ये सब फेंकने वाला सामान था बट इसको मैं देखिए इस टाइप से बना दी हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसको ऐसे ही घर में सजा के भी रख सकते हैं इस टाइप से बना के, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको तो, काम करते हुए भी अच्छा लग रहा है इसको बना के। नेक्स्ट मेरे पास है ये छोटा वाला दिया, इसको भी मैं सेम तरीके से लगा लूँगी बट इसमें मैं वाइट वाला मोती डालूँगी, स्टोन नहीं डाल रही। और आप इसे अपने तरीके से भी सजा सकते हैं, आपको जैसे लुक अच्छा लगेगा वैसे ही सजा सकते हैं। ये दिया सब मैं कलर कर देने के बाद तो आप जैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से ही मुझको लगा ले रही हूँ और ये वाला वाइट वाला मोती मुझको फटाफट से चिपका सकते हैं आप, और छोटा वाला स्टोन को मैंने टाइम लगता है चिपकाने के लिए। तो इसमें मैं पूरा ही कवर कर ली हूँ यहाँ का गोंद को, तो अभी मैं इसको फटाफट से चिपका दूंगी। और ये देखिए मेरी बेटी मुझको कितना डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे काम करने के लिए, बहुत ही मैंने उसके साथ बात करूँ तो इधर मैंने मेरा दिमाग इधर उधर भटक जा रहा है, वो बार बार मुझको बोल रही है मुझको भी दो मम्मी बोल के। तो उसको मैं जिस जैसे भी करके उसको मना रही हूँ बात करते हुए। और ये देखिए ये वाला ईजी है, तुरंत लग जाता है, स्टोन लगाने के लिए आपको टाइम लगता है। तो देखिए ये मोती लगाना है तो आप इसको पूरा ही गोंद को एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से। मोती व्हाइट कलर है ना तो सब में खिल रहा है, मैंने ब्लू कलर ग्रीन कलर सब में खिल रहा है, व्हाइट तो सब में मैच हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी निकाल दी थी उसको मैं फिर से चिपका ली हूँ। तो मेरा ये सारा चिपकाने के बाद ये देखिए, तो ये काट के ऊपर मैं लोटा को रख ली हूँ और इसके ऊपर मैं ये बड़ा वाला दिया को, और ये साइड साइड काट के साइड साइड ये वाला छोटा वाला दिया सबको रखना है। और आपको ये गोंद से चिपका भी सकते हैं और नहीं चिपकाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नहीं गिरेगा। और आप इसको बिना दिया जला के भी ऐसे भी रख सकते हैं सजा के, देखिए कितना अच्छा लुक। इसमें यदि आप कैंडल भी जलाएंगे दिए के ऊपर में तो इसको नहीं चिपकाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग को जला के एक जगह ही तो रखना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं इस टाइप से रख ली हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर में टी लाइट कैंडल जो मेरे पास हमेशा ही
रहता है, तो मैं ये कैंडल को रख ली हूँ अभी इसके ऊपर में, मैंने जो भी कलर आप कैंडल रख सकते हैं, तो मेरे पास तो बहुत सारा कलर है अभी, तो मैं ये कलर सबको अभी रख ले रही हूँ, और यहाँ पे सेम सेम डाल रही हूँ तो इसलिए मैं उसको अलग जगह रख ले रही हूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। पे ब्लू के ऊपर ब्लू कैंडल ही था, तो मैं इसको हटा के अभी दूसरा कैंडल डाल दूंगी यहाँ पे, क्योंकि एक ही कलर हो गया है, जबकि मेरे पास तो बहुत सारा कलर है अभी। तो यहाँ पे मैं येलो डाल दूंगी और इसके ऊपर व्हाइट डाल दूंगी, तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ फ्लोटिंग कैंडल, आप इसको जला के देखिए, नहीं जलाने से भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, बट इसको दीपावली सीजन सबके लिए बनाएंगे तो जलाना ही पड़ेगा, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसको ऑफ सीजन में इसको डेकोरेट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, और सीजन दीपावली आएगा तो मैं बहुत सारा डिजाइन भी आप लोगों को दिखाऊंगी बना के। और ये वाला जब घर डेकोरेट रहेगा, मैंने घर सजाया हुआ रहता है त्योहारों में, तो उस टाइम तो और भी ये खिल के आएगा, इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही क्लासी लुक लग रहा है ये देखिए। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारा कैंडल को जला लूंगी, ये है फ्लोटिंग कैंडल और ये है टी लाइट कैंडल। मुझको तो बहुत ही अच्छा लगा आज ये डेकोरेट करके, आप लोगों के साथ बात करते करते कब टाइम निकल गया मुझको पता ही नहीं चला। आई होप आप लोगों को भी आज का मेरा वीडियो पसंद आए, वीडियो ज़रा सभी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन के घंटी को ज़रूर से दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज का मेरा वीडियो मैं यहीं पर अंत करती हूँ, अच्छा से रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।